मैं अभी ब्रिज पे हूँ और ये ब्रिज जो है निरजुली पे जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसी कंस्ट्रक्शन ब्रिज के ऊपर से मैं आप सभी को रिपोर्टिंग दे रहा हूँ इस ब्रिज की अपडेट को लेके। और इस ब्रिज जो है आपका कारसिंगसा से लेके बंदरदवा और असम कनेक्ट करता है, और इसी ब्रिज पे मैं अभी रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो मेरे जो पीछे जो ब्रिज है ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है और सबसे लंबा ब्रिज यहाँ पे जो है निरजुली पे जो है बन रहा है। और और हम यहाँ पे कुछ लोकल से भी हम जानने के लिए आए हैं कि इस ब्रिज के जो कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है, काम कैसा चल रहा है और क्या अपडेट है, ये कब तक कंप्लीट होने वाला है और कब से यहाँ पे जो है लाइट मोटरकल व्हीकल जो है क्रॉस सभी कर को सकता इतना ब्रिज है। का, जो अपडेट देने के लिए आए हैं। और हम यहाँ के कुछ लोकल जो आना जाना करते हैं उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस ब्रिज के जो अपडेट है क्या अपडेट है और कब कंप्लीट होगा, और कंप्लीट जैसे ही होते ही यहाँ पे लोग काफ़ी आना जाना कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे इस चीज़ को लेके तो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रिज है, ये ब्रिज के सामने जो है अभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है इसको बंद कर रहा है, और यहाँ पे जो लाइट व्हीकल या मोटर बाइक भी यहाँ पे क्रॉस होने नहीं दे रहा है। तो इसी को लेके हम यहाँ पे आए हैं और आप सभी को ये जानकारी देने आए हैं कि अभी तक ये ब्रिज अपडेट क्या है और यहाँ पे जो छोटा गाड़ी और बाइक को क्या क्रॉस होने दे रहा है क्या, ये चीज़ को हम यहाँ पे जानने के लिए आए। चलिए हम यहाँ पे किसी लोकल को हम जानने की कोशिश तो करेंगे और अभी पूछेंगे कि मेरे साथ जुड़े हैं सर जो जीरो है, यहाँ के जो लोकल है रहने वाले कारसिंगसा के, ना जी कारसिंगसा के रहने वाले हैं, और उससे हम ये जानकारी के लिए आए हैं कि जो ब्रिज जो अभी जो बन रहा है ये एक सबसे बड़ा ब्रिज है कि ये निरजुली और कारसिंगसा बंदरदवा जो और असम कनेक्ट करता है। तो ये ब्रिज जो है आज सोशल मीडिया पे काफ़ी देखने को मिला है और तालो पुतुम सर भी यहाँ पे आए और विजिट किए हैं कि ये ब्रिज को देखने के लिए, और यहाँ के लोकल चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट व्हीकल को है जाने दिया जाए। तो हम सर आप जाना आप सब ये जानना चाहते हैं अभी ये ब्रिज जो बन रहा है ना, तो अभी काम कैसे चल रहा है और कब तक ये कंप्लीट होने का चांसेस है अभी तक? ये काम तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी, जितना हो सके इतना दिन रात काम चल रहा है अच्छा चल रहा है। इसे तो बहुत जल्दी हो जाएगा होगा, मेरा हिसाब से तो एक दो हफ्ता ही लगेगा होगा। मोस्टली ये वन साइड तो हो गया, ये साइड जो वो साइड तो रहा, एक साइड जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए शायद जाने नहीं दे रहा होगा गाड़ी को। सर यहाँ पे अभी कुछ हमें सोशल मीडिया मीडिया के द्वारा भी देखने को मिला है कि यहाँ पे जो लोकल है जो रहने वाले हैं जी तो उन लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल जाने दिया जाए, तो क्या लगता है आपको सर? तो आप गवर्नमेंट से हम भी तो यही रिक्वेस्ट करता है कि आप लाइट व्हीकल को यहाँ जाने देने से, क्योंकि ये रास्ता होकर इतना तकलीफ है, पूरा कीचड़ कीचड़ ब्लॉक आधा मुरा हो रहा है, हम लोग भी आना जाना बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग यही चाहता है कि लाइट व्हीकल को यहाँ जाने देने से कुछ दिन। तो सर हमें यहाँ पे कुछ यहाँ के जो कॉन्ट्रेक्टर है यहाँ PRO जो है सुनने को मिला है मीडिया पे कि बिना जो लोडेड चेक किए है यहाँ पे जो कोई भी गाड़ी नहीं पार्क, क्योंकि कुछ भी अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। जी वही उसी दिन ये डीसी सर भी आया था, वही बोल रहा है अभी हम लोग पब्लिक तो वही मांग है कि इतना कुछ हो रहा है जाना, ये यहाँ से जाके या गुमतो से जाना बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को, बारिश का सीजन भी है या ब्रिज से जाने दो बोल रहा है। तो वही गवर्नमेंट का तरफ से वही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोला तो रहा अभी तक इनकम्प्लीट में है, अभी जाना बोल रहा है, रिस्की है बोल रहा है। तो DC सर जब यहाँ पे आया तालुपति सर आया क्या बोला है आप लोगों को गाँव सबको? वही है सर जो बोला है कि यहाँ में अभी काम इनकम्प्लीट है, अभी कुछ समय के लिए थोड़ा सा रुक लीजिए, इतना रुका है तो अभी तो होने वाला है, जब कंप्लीट होने दो बोला है, जब तक आप कंपनी का तरफ से पूरा रिस्क नहीं ले रहा है अभी लोन नहीं करेगा ऐसे बोल रहे। सर जैसे कि अभी ये ब्रिज जो है अभी जो बन रहा है अगर लाइट मोटर व्हीकल आगे यहाँ से पार भी होने देता है तो कुछ इनकेस कुछ इंसिडेंट हो जाता है क्या रिस्क लेगा, कौन रिस्क लेगा सर? वही तो ऐसे होके तो गवर्नमेंट नहीं दे रहा है वो, नहीं तो जाने देना था वगैरह, जैसे तो पूरा खुला हुआ है वही। अच्छा इन एक्सीडेंट कुछ होने से गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगा बोल के तो अभी वो ये का तेंदर मालिक तरफ से बंद करके रखा हुआ है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश पाव सुरेश पाव सर। जी सर थैंक यू। और ब्रिज के लिए हम आप सभी को दिखाने के लिए आए हैं, अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे जो है काम चल रहा है और लगातार जो है यहाँ के जो कंट्रेक्टर है यहाँ के जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं। अभी जैसे ही ब्रिज को लेके जो है अभी ये देख सकते हैं यहाँ तक अभी तक यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग यहाँ तक किया गया है और आगे अभी बहुत सारा जो बाकी है काम करने के लिए। आप देख सकते हैं मशीन जो है यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं मशीन यहाँ पे है, कैमरा में आप दिखा दीजिए मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। अभी भी काम बहुत सारा बाकी है और लगातार जो यहाँ के जो कंट्रेक्टर है और यहाँ के जो वर्कर है काम करने वाला वो कर रहे हैं। और उस तरफ दिखा दीजिए कैमरा में, वहाँ दिखा दीजिए ब्रिज के उस पार दिखा दीजिए कि यहाँ पे लगातार जो काम चल रहा है और अभी तक जो इनका जो फिनिशिंग नहीं हुआ है लगा लग सकता है है ये मठ खत्म हो सकता है काम खत्म अभी होने के लिए। सर जी मिला है उनसे हम जाने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रिज के बारे में जो बन रहा है और उनसे हम जाने की कोशिश करेंगे कि 1 किलोमीटर लगभग 2-3 किलोमीटर है यहाँ पे तो पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत होता है अभी तक, तो हम सर से ये जानने की सर कोशिश करेंगे। आपका नाम? हमारा नाम मिंग्या छिपी।
कहाँ जा रहा है? हम अभी दूती जाके अभी वो कशिंग चल जाएगा। अभी आप यहाँ से पैदल आना जाना कर रहे हैं? हाँ। तो ये ब्रिज जो बन रहा है, काम चल रहा है, तो अभी शायद रास्ता भी पुराना से भी खराब है, अभी गाड़ी वहाँ से जा रहा है। तो आप लोग अभी यहाँ से पैदल तो पैदल जाते रहते हैं, वो इधर में नहीं जाते हैं। हम अभी पैदल जाते रहते हैं। वो दूती तो हमारे दुईमुख में डिवीजन में, हम वोर टू कशिंग सेंटर में। तो ये ब्रिज को कुछ आपका पास आइडिया है कि कब तक ये खत्म ये होने के लिए जा रहा है? ये तो ये कंपनी लोग अच्छा से बना करके आदमी को जाने देना पड़ेगा, और लंजू पंजू नहीं होता है। ये काम तो फिनिशिंग करके जाना पड़ेगा, और फिनिशिंग नहीं करने से आदमी को डिस्टर्ब करेगा, आदमी लोग हो जाएगा, आदमी किसा काम करेगा। इसलिए काम को क्लियर करके, एक पूरा क्लियर करके जाना पड़ेगा काम को। ये कलर कुछ कुछ खत्म करके जाना पड़ेगा। तो अभी जाएगा आदमी क्या क्या काम करेगा ऐसा सोचता है, आदमी लोग डिस्टर्ब करता है ना, और रात में काम करेगा ना क्या करेगा। वो ये लोग भी लिमिट है काम, तो काम ये लेबर लोग तो अच्छा से काम करने के लिए किया है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है। वो गाड़ी का तो भी खुलेगा, तो खुल के जाएगा, तो एक दिन, तो एक दिन तो जाएगा, तो इसका तो जाना है। ये पैदल अभी जाते रहना है, बाद में गाड़ी खुलने से आराम से जाना है। अभी कोई गाड़ी जाएगा जाएगा बोल के सुकृति को गाली नहीं देना है, ऐसा होता है, वो शांति होना है। और अभी तो ये काम क्लियर करेगा, वो बात में तो जाते रहेगा। तो अभी तो ये बुलू पॉइंट का ना प्रॉब्लम होता है, वो बुलू पॉइंट का जिससे तिससे गाड़ी इधर रख के भी जा सकता है ना, कुछ नहीं। वो पैदल गाड़ी तो ये टिंगपो है, ये भी टिंगपो है, जाना पड़ेगा। ऐसा वो काम खत्म करके आदमी लोग जाना पड़ेगा। आदमी को कंपनी का पीआरओ बोलता है ना, ये हमारा एक आदमी है, ये लोग शांति से करने देना पड़ेगा। खत्म नहीं करने से तो किसा करेगा, वो काम करेगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई मारपीट होगा, कौन रिस लेगा, ऐसा होता है। अभी तो जैसे तैसे एक 20 दिन 25 दिन तो होगा काम खत्म करने के लिए होगा।